गाइस आजकल देखा जाता है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए तकनीक का तरह तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन कई टीचर ऐसे होते हैं जो कुछ हटकर तरीका अपनाते हैं ताकि बच्चों को सही समझ आ सके। और ऐसा ही एक अनोखा तरीका स्पैनिक टीचर ने अपनाया जो कि बच्चों को बढ़ाने के चक्कर में खुद ही कंकाल बन गई। हाँ गाइस, दरअसल उन्होंने स्टूडेंट को मानव शरीर की रचना के बारे में बताने के लिए एक एनाटॉमी बॉडी सूट यानी कि एक आंतरिक अंगों वाला बॉडी सूट पहन लिया। गाइस आपको बता दें कि उनके इस अनोखे ढंग से पढ़ाने की ट्विटर पर जमकर तारीफ हो रही है। हर कोई उनके इस कारनामे की तारीफों का पुल बांध रहा है। और मेरी जानकारी में ऐसा बताया जा रहा है कि इस टीचर का नाम वेरोनिका ड्यूक है जो स्पेन के डॉलिड स्कूल में जीव विज्ञान की टीचर है। और उन्होंने बच्चों को अच्छे से मानव अंगों के बारे में बताने के लिए ये तरीका अपनाया जिसकी बच्चों ने भी उनकी खूब तारीफ की है। गाइस दरअसल वेरोनिका 15 साल से साइंस, इंग्लिश, आर्ट और इतिहास और स्पेनिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ाती है। उन्होंने हाल ही में बताया है कि बच्चों को बोर्ड पर इमेज बनाकर समझाने में कई बार मुश्किल होती है, कुछ बच्चे समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चुना है, मैंने मानव शरीर की रचना वाला बॉडी सूट बनवाया और मेरा मानना है कि इससे मज़ेदार और आसान तरीका दूसरा नहीं हो सकता। और इसी के साथ वेरोनिका की फोटो उनके पति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और इसे ट्विटर पर 13,000 से ज़्यादा रिट्वीट और 66,000 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। गाइज जो इस तरह की शिक्षा ये टीचर दे रही है, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या प्रैक्टिकली बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं या नहीं? वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।